अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 23 मार्च 2024 और इस टाइम मैं मौजूद हूँ लाहौर रेलवे स्टेशन पर। और 23 मार्च आप दोस्तों को पता है कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही अहम है 23 मार्च, क्योंकि आज ही के दिन 23 मार्च 1940 को करारदादे पाकिस्तान मंजूर हुई थी और बरसगीर के मुसलमानों और बानियाने पाकिस्तान कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब की क्यादत में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मर्ज वजूद में आया था। तो आज उसी वाले से आज छोटा सा ट्रैवल कर रहा हूँ लाहौर से लेकर पतोकी तक, और ट्रेन जो मैंने चूज़ की है वो है जी टेंडोन इलामाकबाल एक्सप्रेस। तो आज इंशाल्लाह इलामाकबाल एक्सप्रेस मेरा ट्रैवल होगा, और अगर टेंडोन इलामाकबाल एक्सप्रेस की बात की जाए तो ये लाहौर सियालकोट और कराची के दरमियान ये बहुत एक ट्रेन चलती है, और इस ट्रेन का जो नाम मंसूब है वो हमारे शायर मशरक जनाब डॉक्टर मोहम्मद इलामा इकबाल साहब के नाम से ये मंसूब ट्रेन है। तो आज इंशाल्लाह इस पर ट्रैवल होगा, तो अभी चलते हैं स्टेशन बिल्डिंग के बाहर और अपनी टिकट लेते हैं, क्योंकि टिकट लेनी मैं भूल गया था, तो टिकट लेते हैं और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। और अभी चलते हैं जी और सामने रेजर्वेशन ऑफिस से अपनी टिकट कलेक्ट करते हैं, और टेंडोन इलामाकबाल एक्सप्रेस जो टिकट है वो सामने रेजर्वेशन ऑफिस से मिलती है, जो कि स्टेशन बिल्डिंग के दाएं सानब जो नए ऑफिस तमीरी किए गए हैं वहां से इसकी टिकट मिलती है। स्टेशन बिल्डिंग का मैं अंदर आ गया हूं और सामने पाकिस्तान की मोस्ट लग्जरी ट्रेन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का रिव्यू चल रहा है, और ये सामने जी लाहौर रेलवे स्टेशन का एंट्री पॉइंट है, और सामने आप बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर भी देख सकते हैं, और उसके साथ शायर मशरक जनाब डॉक्टर मोहम्मद इलामा इकबाल साहब की भी तस्वीर देख सकते हैं। और आज 23 मार्च है तो ये और भी बड़ी खूबसूरत लग रही है, तो अभी चलते हैं स्टेशन बिल्डिंग के अंदर और देखते हैं कि इलामाकबाल एक्सप्रेस कौन से प्लेटफार्म पर आ रही है। और इस टाइम मैं अभी प्लेटफार्म नंबर 2 पर मौजूद हूँ, और बिल्कुल ही सुनसान है जी प्लेटफार्म नंबर 2, क्योंकि 39 अब भी निकल चुकी है, और अभी 102 डॉन जो है वो सुबह रफ्तार एक्सप्रेस आएगी तो फिर यहाँ पर रौनक होगी, लेकिन यहाँ पर टोटल सुनसान पड़ा है जी प्लेटफार्म नंबर 2। और अभी 11:45 हो रहे हैं, और गाड़ी जो वो अभी मैं ऐप पर चेक कर रहा था तो शाहदरा जंक्शन को क्रॉस कर रही थी, और होपफुली के प्लेटफार्म नंबर 5 पर आएगी। और मौसम जो है जी लाहौर का वो बहुत ही खूबसूरत है, धूप भी निकली हुई है और साथ में ठंडी हवा भी चल रही है, तो मिक्स सा मौसम है। और अभी मैं प्लेटफार्म नंबर 5 पर मैं आ गया हूँ, और प्लेटफार्म नंबर 5 पर आएगी जी टेंडोन इलामाकबाल एक्सप्रेस। और टिकट दोस्तों मैंने ले ली है लाहौर से लेकर पतोकी तक, और मुझे जो फेयर पड़ा है वो पड़ा है जी लाहौर से लेकर पतोकी तक 400 रुपये का, और ऊपर 200 रुपये भी लिखा है, तो लेकिन यह है कि 400 रुपये का मुझे फेयर पड़ा है। और अभी 12:05 हो रहे हैं, और सामने से स्वेद लाइट के साथ ZCU 20 6426 की पावर टेंडोन इलामाकबाल एक्सप्रेस को लेकर आ रही है, जो कि राइट टाइम पर लाहौर पहुंची है। Thank you.
ZCU 30-63-19 की पावर के साथ नाइना पिलामाकबाल एक्सप्रेस लाहौर स्टेशन पर पहुंच रही है और हमारा जो सफर होगा वो होगा ये 10 डाउन लामाकबाल एक्सप्रेस पर और ये इसकी सिस्टर नाइना पिलामाकबाल एक्सप्रेस। यहाँ पर जो बकाया कोचेस है उनके साथ कपलिंग होगी। रश आज काफी ज्यादा है, चलते हैं, ओपन टिकट है। और बैग वगैरह जो है मेरा सामान वो मैंने रख लिया है और अभी चलते हैं अपने लोकोमोटिव की तरफ और देखते हैं कि कौन सा लोकोमोटिव आज एंड ऑन इलामाकबाल एक्सप्रेस को लीड कर रहा है। और ZCU 30-63-08 की पावर आज इलामाकबाल एक्सप्रेस को लीड करने के लिए मौजूद है। और सामने से आपको मैं इसका लुक दिखाता हूँ। ZCU 30-63-08 की पावर शाबाश है, डिपार्चर विसल हो चुका है जी। और क्या बात है, ये ड्राइवर साहब ने मजा करवा दिया डिपार्चर विसल करवा के। और पावरफुल विसल ZCU 30-63-08 का। और अभी चलते हैं अपनी कोच में और ये ना हो कि ट्रेन चल पड़े और हम पीछे रह जाए। अभी इसका फाइनल डिपार्चर विसल होगा और गाड़ी फिर आस्ता आस्ता लाहौर रेलवे स्टेशन से रवाना हो जाएगी। और जो मेरी कोच है वो लगेज मैन के बिल्कुल पीछे मेरी कोच है और रहमत भाई और वहीद भाई जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे आपकी थोड़ी सी गुफ्तगू करवाते हैं। और ये वहीद भाई ने कैमरा चढ़ दिया। अस्सलाम वालेकुम रमी, कैसे हैं? और वहीद भाई और रमी मेरे साथ हैं और डिपार्चर मिस हो चुका है तो चले ट्रैवल का आगाज करते हैं। और 12:45 हो रहे हैं और गाड़ी हमारी जो है वो लाहौर रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो रही है। और सामने जी ऑरेंज लाइन का ब्रिज भी आप देख सकते हैं और साथ में लाहौर रेलवे स्टेशन का रेलवे यार्ड। और ये जी सी कैबिन लाहौर का आउटर पर। तो 1931 का ये तमीर हुआ कैबिन। और इस सामने जो आपको कोच नज़र आ रही हैं ये तमाम कोचें जो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके अब आराम फरमा रही हैं और इनको एक साइड पर स्टॉक किया गया है। वो सामने जी आपको एक ओल्ड बिल्डिंग नज़र आ रही है जो किसी हॉरर बिल्डिंग की शक्ल इख्तियार किए हुए है। ये मेरे ख्याल से अभी किसी इस्तेमाल में नहीं है, इसी वजह इसका ये हाल है।
लेकिन वहाँ पर एक वाल खलाक भी आपको नज़र आ रहा होगा जो कि ब्रिटिश दौर का है। सामने जी रेलवे वाचिंग लाइन, और ट्रैक साउंड आप सुन सकते हैं यहाँ पर बहुत ही लाजवाब है। और 1:10 हो रहे हैं और गाड़ी का लाहौर छोड़ी को छोड़ रही है। Thank you.
और अभी 15 ऑफ कराची एक्सप्रेस राज का होगा क्रॉस। और GMCU 2082 के साथ क्रॉस हुआ है जी कैंडोर इलामाबाद एक्सप्रेस का। और अभी 1:20 हो रहे हैं और गाड़ी जो वो कोट लखपत स्टेशन पर अपना शेड्यूल स्टॉप कर रही है और मुसाफरों की एक कसीर तादाद इलामाबाद एक्सप्रेस पर ट्रैवल करने के लिए मौजूद है। और लाहौर रेलवे स्टेशन से ज़्यादा रश है जी कोट लखपत रेलवे स्टेशन पर। दो मिनट स्टॉप करने के बाद गाड़ी जो है वो कोट लखपत स्टेशन पर रवाना हो चुकी है। और साथ में जी सर्कुलर रोड कोट लखपत रेलवे स्टेशन का और अच्छी खासी रौनक होती है जी स्टेशन पर। एक 1:32 हो रहे हैं और गाड़ी हमारी जिया पंगा रेलवे स्टेशन को पास तो कर रही है और यहाँ पर जी HBU 2080/40 पावर खड़ी है और इंशाल्लाह इस स्टेशन को भी आकर के एक दिन मैं विजिट करूँगा। और 1:40 हो रहे हैं और गाड़ी अपना शेड्यूल स्टॉप कर रही है जी ट्रायवंड रेलवे स्टेशन पर। और सामने आपको ट्रायवंड रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग नज़र आ रही है और ये सामने जो आपको मीनार नज़र आ रहे हैं यहाँ पर हर साल तबलीगी इज्तिमा होता है जहाँ पर लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो इसमें खुसूसी शिरकत करते हैं और ये कुछ इस्लामी भाई भी हमें नज़र आ रहे हैं और बड़ा ये मसरूफ़ रेलवे स्टेशन है। और किला नुमा बिल्डिंग ड्राइवन जंक्शन की और इसको जंक्शन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक जो ट्रेन है ट्रेन की जो
लाइन है वो कसूर जंक्शन की तरफ जाती है। और ब्रिज का काम भी इधर शुरू है जो कि मुसाफिरों के लिए इसको बनाया गया और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको खोल दिया जाएगा। और ये है जी रायबंड रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग और कुछ फ्रेट कोचेस भी यहाँ पर खड़ी हैं और यहाँ पर भी अच्छा खासा पैसेंजर का रश है। और दूसरी स्टेशन बिल्डिंग जो दूसरी तरफ है और यहाँ पर 2 मिनट स्टॉप करने के बाद गाड़ी जो है वो आगे रवाना हो जाएगी। और यहाँ पर जी मुसाफिर खाना जटा इकोनॉमी और एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है जी रायगढ़ के। और 1:49 हुए हैं और गाड़ी रायगढ़ स्टेशन को छोड़ रही है। और रायवंड रेलवे स्टेशन को जंक्शन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से जो एक लाइन है वो कसूर जंक्शन की तरफ निकलती है और इसी वजह से रायवंड रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। ये जो मेरे सामने आप ट्रैक देख सकते हैं ये जा रहा है जी कसूर जंक्शन की तरफ। ये लाइन कसूर की तरफ डायवर्ट हो रही है और यहाँ से 38 ऑन और 37 फ्री एक्सप्रेस जो है वो इस ब्रांच लाइन से गुजरती है। आ रही है मौसम भी कहीं कहीं
पे और देखे चाहो है और हवा भी चल रही है। और कोट राधा कृष्ण रेलवे स्टेशन पर गाड़ी जो है वो अपना शेड्यूल स्टॉप कर रही है और पैसेंजर की जो तादाद है वो हर स्टॉप पर बढ़ रही है, लेकिन अक्सर देखने में ये आता है कि रमजान मुबारक का महीना है और मुसाफिर जो है वो कम ही ट्रैवल करते हैं, तो लेकिन आज 23 मार्च है और छुट्टी का भी दिन है, तो इस हवाले से लोग जो हैं वो काफ़ी तादाद में ट्रैवल कर रहे हैं और उसका रीज़न एक ये भी है कि कल संडे है और दो छुट्टियां हैं और आज सरकारी छुट्टी है आज 23 मार्च के हवाले से। और एक अच्छी खासी तादाद सिंजर की कोट राधा कृष्ण रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और राधा कृष्ण रेलवे स्टेशन पर आपको हरे भरे दरख्त नजर आ रहे हैं और जिसके छाँव में मुसाफिर हजरात खड़े हैं। और ये है जी कोट राधा कृष्ण रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग और एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत बिल्डिंग। और मेरी जो कोच है वो काफी आगे निकल चुकी है दो बजकर 10 मिनट हो रहे हैं और गाड़ी कोच राधा कृष्ण रेलवे स्टेशन पर छोड़ रही है और दो मिनट स्टार्ट करने के बाद और काफ़ी वसी आठ कोच राधा कृष्ण रेलवे स्टेशन का Thank you.
2:30 हो रहे हैं और गाड़ी जो है वो पत्तों की रेलवे स्टेशन पर अपना शेड्यूल स्टॉप कर रही है। और पत्तों की रेलवे स्टेशन पर गाड़ी अपना शेड्यूल स्टॉप कर रही है। डिपार्चर फैसला हो चुका है और अली अब्दुल्ला भाई ने ट्रैवल करना है आगे कड़ा तक। तो अली अब्दुल्ला भाई ये बताएं कि कैसा आपका ट्रैवल रहा हमारे साथ? बिल्कुल जनजे भाई, ट्रैवल माशाल्लाह जबरदस्त है, इकॉनमी कोचिज है सारी, रमेश बाल एक्सप्रेस की आपको पता ही है, इनकी कंडीशन जो है वो मेरा ख्याल बेहतर होनी चाहिए। जी बिल्कुल, इसको अपग्रेड करना चाहिए, इसको भी बिल्कुल अपग्रेड इसको करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए। चले बहुत शुक्रिया अली अब्दुल्ला भाई, और डिपार्चर फैसला हो चुका है तो गाड़ी जो है वो अभी जाने लगी है। 030-6308 की पावर के साथ स्टैंड ऑन इलामाबाद एक्सप्रेस पत्तों की पहुँच गया और अब इसका डिपार्चर फैसला हो चुका है और पत्तों के शहर को इलामाबाद एक्सप्रेस छोड़ रही है। और सियालकोट से राइट टर्न पर गाड़ी निकली थी और राइट टर्न पर पत्तों की रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। और हमारे अली हमजा भाई ओकाड़ा तक ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ अली भाई। और रहमत भाई भी बाय बाय कर रहे हैं, रहमत भाई हमें बुला रहे हैं। तो रहमत भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? यार रहमत भी इधर आए जरा धूप में। और रहमत भाई हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे, लेकिन हुआ ये कि रहमत भाई कोच में बैठ गए थे, तो अभी बात करते हैं रहमत भाई से। रहमत भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? रमन भाई पंजाबी में बात करते हैं। जी पंजाबी बोल। रमन भाई और सुनाओ। बहुत जबरदस्त जी। तो कैसा रहा आज का सफर? आज का सफर तो बेहतरीन रहा जी, जबरदस्त मजा आ गया जी। इलामाबाद का मजा आया? हां जी, इलामाबाद खुशी ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਮਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਐਸਾ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹੋ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਣੇ ਪਤੋਗੀ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਰਮਨ ਭਾਈ ਤਿੰਨ ਐਕਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ
कराची एक्सप्रेस ते सेवन अप तेजगाम जी जी सब तो अच्छा केड़ा रहा सब तो इस बार तो बेस्ट बेस्ट ग्रीनलैंड वाह चले रहमत भाई एक दफ़ा थम्स अप कर दीजिएगा ओके बहुत शुक्रिया और हमारे साथ मौजूद है नन्नी जैनब के पापा अवहीद भाई और बड़े प्यार वाले भाई हैं और बड़ी अच्छी रेल फैनी करते हैं और बड़ी अच्छी ये वीडियो आप दोस्तों के लिए बनाते हैं तो वहीद भाई हमारे साथ हैं तो इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई वालेकुम सलाम वहीद भाई कैसा रहा सफ़र लाहौर से पत्तों की तक बहुत प्यारा रहा जानदे भाई मेरा तो ये फर्स्ट नहीं है मैं इससे पहले भी ट्रैवल कर चुका हूँ मेरे दोस्त जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो देख चुके हैं मेरा लाहौर से लेकर मुल्तान तक टू डाउन का भी कहा तो इसके अलावा मजीद और भी हैं लेकिन ये है कि मेरा ये फर्स्ट नहीं है आपका ये फर्स्ट था इसलिए आपके साथ आए हम जी बिल्कुल मेरा फर्स्ट ट्रैवल था लाहौर से पत्तों की तक तो बाकी बड़ा मज़ा आया वहीद भाई के साथ रहमत भाई के साथ और अहमद भाई के साथ अली हमजा भाई जो हैं वो अकाड़ा तक गए हैं तो बाकी चले जी तो दोस्तों ये था मेरा आज का ट्रैवल और आज क्योंकि मैं ख़ास तौर पर आया था लाहौर से पत्तों की और आज 23 मार्च भी है और रमज़ान मुबारक का दूसरा इशरा भी शुरू हो चुका है और मेरी दुआ है कि रमज़ान मुबारक का जो मुबारक महीना आपके लिए खैरों बरकत से गुजरे तो बाकी जो दोस्त मेरे चैनल पे अभी नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद